हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हमें दिलेजा आज आपके लिए आया नया क्लास क्लास सीखने को मिलेगा वर्डपैड। आज आप देखेंगे वर्डपैड को कैसे खोला जाता है और वर्डपैड मेन्यू में कुछ ऑप्शंस हैं वो आप देखेंगे। आप मेरा क्लास में शुरू से एक्टिव तो बने रहे, बीच में स्किप ना करें। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो देखिए वर्डपैड को कैसे खोला जाता है। सबसे पहले जाएंगे स्टार्ट बटन में और प्रोग्राम में ऐसे सीरीज में, उसके बाद आपको नीचे में मिलेगा वर्डपैड, इसमें क्लिक कर देंगे आपको वर्डपैड खुल जाएगा, इसको क्लोज कर लेते हैं। दूसरा तरीका है, आप स्टार्ट में जाकर क्लिक कर सकते हैं, आप सर्च से भी निकाल सकते हैं। जैसे आपको लिखना है वर्डपैड WORDPAD, जैसे मैंने आगे लिखा होगा इसमें क्लिक कर देंगे, मेरा वर्डपैड खुल जाएगा, इसको क्लोज कर लेते हैं। तीसरा है विंडो आर, कीबोर्ड में एक की है विंडो, उसको दबा के रखना है और आर प्रेस करना है। उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, इसमें आपको लिखना है वर्डपैड, इसमें लिखा हुआ है, इसको क्लिक कर देंगे। ओके में क्लिक करेंगे तो मेरा वर्डपैड खुल जाएगा, नहीं तो आप इंटर भी कर सकते हैं तो वर्डपैड खुल जाएगा। सबसे पहले देखते हैं वर्डपैड मेन्यू में न्यू से क्या होगा, एक नया पेज देगा। जैसे इसमें हम कुछ लिखते हैं, पहले राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। अब मुझे एक नया पेज चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे, वर्डपैड मेन्यू में जाएंगे, न्यू में क्लिक कीजिए, नहीं तो आप कंट्रोल एन भी यूज कर सकते हैं, इसमें क्लिक कर देंगे। आपको बोल रहा है कि इसको सेव करना है तो सेव कीजिए, अगर नहीं करना है तो डोंट सेव, आपका एक नया पेज दे देगा। आपका इसमें जाएंगे वर्डपैड मेन्यू में ओपन, ओपन से क्या होता है, पहले से आपका कंप्यूटर में अगर कुछ डेटा सेव है उसको आप रीयूज कर सकते हैं, उसको आप एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसको खोलते हैं हम, इसे ऑन द इंसर्ट टैब में जो भी लिखा हुआ है इसको हम ओपन करते हैं। इसको हम चाहते हैं कि इसका साइज को बड़ा करेंगे या छोटा करेंगे, जो भी अपने हिसाब से कर सकते हैं, स्टाइल बदल सकते हैं। ओपन से क्या होगा, जो भी फाइल आपका पहले से है उसको आप रीयूज कर सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से एडिट भी कर सकते हैं। तीसरा है इसी में सेव, सेव से क्या होता है, अगर आप कर देंगे सेव, ये पहले का जो मेरा ओरिजिनल था वो खत्म हो जाएगा, अभी मेरा यही ओरिजिनल बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको भी बचाएंगे, इसके लिए क्या करना है, आपको सेव एज करना है, सेव एज में जाके क्लिक कर लेंगे, इसमें अपने हिसाब से नाम दे देना है हामिद, सेव में क्लिक कर देंगे, आपको वो सेव हो गया, ये हामिद नाम से ये फाइल बन गया। तो क्लोज कर देंगे, दोबारा खोलते हैं वर्डपैड, उसके बाद इसी में है सेव। सेव में क्या है, जैसे आपका फर्स्ट टाइम में सेव कर रहे हैं तो सेव करना बेहतर है, अगर आपका ओपन से खोले हैं तो उस ओरिजिनल को बचाना अगर है तो आप सेव कर सकते हैं, नहीं तो अन्यथा सेव भी कर सकते हैं, आपका वो भी सेव हो जाएगा लेकिन आपका ओरिजिनल जो फाइल है वो आपका खत्म हो जाएगा। तो उसमें हम लिखते हैं राम इज ए, इसको अगर सेव करना चाहते हैं आप अगर, तो जाएंगे उसके बाद सेव में क्लिक कर देंगे, नाम दे देते हैं टूडे TODAY। यहाँ पूछ रहा है लोकेशन आपको सेव कहाँ पे करना है, तो अभी मेरा कहाँ सेव होगा, ये डॉक्यूमेंट में होगा, हम चाहते हैं कि डेस्कटॉप में हो, मेरा स्क्रीन का सामने में आए, तो सेव में क्लिक कर देंगे, ये मेरा यहाँ पे खुल गया टूडे। आज का क्लास कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं, अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं जो कंप्यूटर नहीं सीखे हैं अभी तक जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं रोज आपके लिए इसी तरह का क्लास लाते रहूंगा, आप मेरा चैनल से जुड़े और कंप्यूटर सीखें। आप में से कोई अगर कंप्यूटर सीखना चाहते हैं मेरा सेंटर में आकर तो वो आ सकते हैं, बहुत ही कम फीस में आपको सीखने को मिलेगा। आप आएँ मेरा सेंटर से जुड़ें और कंप्यूटर सीखें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।